सर आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं तो हमें डमी स्कूल ज्वाइन करना चाहिए, रेगुलर स्कूल ज्वाइन करना चाहिए? पेरेंट्स के मन में भी ये डाउट होता है ना, सबसे पहले तो बोर्ड्स हैं, बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स लाने हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं ओमजी अवस्थी और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस प्यारे से यूट्यूब सेशन। तो प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चों के मन में जो 11th क्लास में नए नए आते हैं उनके मन में एक कंफ्यूजन होता है कि सर आईआईटी जेई की तैयारी करनी है तो हमें डमी स्कूल ज्वाइन करना चाहिए या फिर रेगुलर स्कूल ज्वाइन करना चाहिए। पेरेंट्स के मन में भी ये डाउट होता है कि कहीं बोर्ड ना खराब हो जाए, है ना, सबसे पहले तो बोर्ड्स हैं, बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो ये सारी चीजें मैं आपको आज इस वीडियो सेशन के अंदर क्लियर करने जा रहा हूँ। आपको मैं डमी स्कूल और रेगुलर स्कूल दोनों के बारे में बताऊंगा, आप उस हिसाब से अपना डिसीजन ले सकते हो। तो सबसे पहले, जो भी बच्चे क्लास 11th में नए नए आए हैं और अगर आप हमारे द्रोण बैच में इनरोल होना चाहते हो तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिला होगा, है ना, उसे आप फिल कर सकते हो गूगल फॉर्म को वहां पर। ओके गाइस, और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिए। ठीक है गाइस, तो हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चलिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं रेगुलर स्कूल की, प्यारे बच्चों, तो रेगुलर स्कूल में आपको डेली जाना होता है, माने वहां पर अटेंडेंस का प्रेशर होता है आपके ऊपर, आपको क्लासेस अटेंड करने जाना होता है। रेगुलर स्कूल में आपका जो 12th का बोर्ड का सिलेबस है 11th 12th में, ठीक है, वो बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाता है, उसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है। बट क्योंकि आपको साथ में तैयारी करनी है आईआईटी जेई की, तो आप साथ में एक अलग से कोचिंग भी लगाते हो अपनी, है ना, तो उसमें क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा इशू आता है। ओके, और दूसरी बात ये है कि स्कूल्स में कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट उतना ज़्यादा नहीं होता है। आईआईटी जेई की जो आप तैयारी कर रहे हो उतने ज़्यादा बच्चे वहाँ पर तैयारी नहीं कर रहे होते हैं, जितने आप जो भी ऑफलाइन कोचिंग में जाते हो वहाँ पर आपको जो इन्वायरमेंट मिलता है कॉम्पिटिशन वाला। ओके, रेगुलर स्कूल में आप काफ़ी सारी चीज़ें सीखते भी हो, अच्छी अच्छी स्किल्स भी सीखते हो, सोशल स्किल्स भी सीखते हो, मेमोरीज भी बनाते हो अपने स्कूल की, बट कहीं ना कहीं तैयारी में आपको थोड़ा सा एफर्ट्स ज़्यादा लगाने पड़ते हैं। डमी स्कूल की अगर मैं बात करूं तो डमी स्कूल में आप बिल्कुल टारगेटेड होते हो, बिल्कुल फोकस्ड होते हो, आप आईआईटी जेई के ऊपर तैयारी करनी है। जो लोग रेगुलर स्कूल और कोचिंग ज्वाइन करते हैं उनमें सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ आती है, सिलेबस को लेकर, क्योंकि कोचिंग में सिलेबस कोई और चैप्टर से स्टार्ट हो रहा है और आपके में कोई और चैप्टर चल रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन में दिक्कत आती है। ठीक है, तो बच्चों को यहाँ सबसे ज़्यादा समस्या फेस करनी होती है। डमी स्कूल में, प्यारे बच्चों, क्या होता है कि आप लोगों को इसका कोई चिंता नहीं होती है कि स्कूल में क्या चल रहा है, कहाँ क्या चल रहा है, वहाँ पर तो आपको केवल एग्ज़ाम देने के लिए जाना है, अपने प्रैक्टिकल्स के लिए जाना है। तो डमी स्कूल में ये एक अच्छी सुविधा होती है कि सिर्फ एग्ज़ाम देने जाना है ना। बट रेगुलर स्कूल में क्योंकि आप लगातार एग्जाम्स देते रहते हो तो आप बोर्ड्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो जाते हो, आपका जो डिस्क्रिप्टिव होता है ना, क्योंकि आपको सब्जेक्टिव पेपर देना है वहाँ पर, वो आपका अच्छा हो जाता है। ओके, तो दोनों के अपने फायदे और नुकसान हैं। बट डमी स्कूल में आपका सारा फोकस क्या होता है, आईआईटी जेई पर होता है, आप अपने पेस पे अपने उस हिसाब से आप तैयारी करते हो, आपको ये नहीं होता है कि स्कूल में क्या चल रहा है और हमारी कोचिंग में क्या चल रहा है, चीज़ें अलग अलग भाग रही हैं, क्योंकि स्कूल्स में आपको असाइनमेंट, अपने होमवर्क ये भी सारे पूरे करने होते हैं, तो बहुत सारे बच्चे डमी स्कूल को ऑप्ट करते हैं। बट ऐसा नहीं है कि अगर आप रेगुलर स्कूल भी करते हो तो दिक्कत आएगी, क्योंकि इस टाइम पर जो 11th 12th में होता है यहाँ पर टाइमिंग्स कम होती हैं, ठीक है, इतनी ज़्यादा टाइमिंग वो आपकी नहीं लेते हैं, तो आप यहाँ पर चीज़ें कर सकते हो। इसके साथ ही एक कॉन्सेप्ट, प्यारे बच्चों, और आता है जिसमें आप स्कूल और कोचिंग एक ही जगह पर करते हो। इस ये क्या होता है, इसमें जो भी स्कूल इंस्टीट्यूट्स हैं वो किसी ना किसी अच्छे ब्रांड से कोलैब कर लेते हैं और वहाँ पर कोचिंग और स्कूल आपका साथ साथ चलता है, तो यहाँ पर आपका जो ट्रैवल का टाइम है वो बच जाता है और सारी चीज़ें वहीं हो जाती हैं। ओके गाइस, तो अगर मैं बात करूँ ओवरऑल, तो रेगुलर स्कूल में थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट आपको दिक्कत आ सकता है, और अगर डमी स्कूल की बात करें तो आप अपने खुद के अकॉर्डिंग आप तैयारी करते हो, केवल कोचिंग को अपने फॉलो करते हो और अच्छे से तैयारी करते हो। रही बात बोर्ड्स की, तो बोर्ड्स भी आप अच्छे से दे सकते हो, चाहे आप डमी स्कूल में हो चाहे रेगुलर स्कूल में हो, बट जो पीसीएम के अलावा आपके सब्जेक्ट्स हैं उनमें आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो टाइम, अगर आप रेगुलर स्कूल नहीं ऑप्ट करते हो, डमी स्कूल ऑप्ट करते हो, तो बचा हुआ टाइम है, इसमें से कुछ टाइम निकाल के अगर आप उसको दोगे तो डेफिनेटली आप बोर्ड्स में भी अच्छा कर जाओगे। ओके गाइस, तो आप अपने अकॉर्डिंग इस डिसीजन को लीजिए। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले सेशन में, और यहाँ पर वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।